अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बीट स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा वेरी स्पेशल एपिसोड जो कि ज़राअत के हवाले से है। और जैसा कि आपको बैकग्राउंड बता रहा है कि मैं इस वक्त मौजूद हूं एक ज़राई इवेंट के हवाले से मिल्ले ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, जहाँ पे आज नेशनल असम्बली स्टैंडिंग कमेटी से के जो चेयरमैन है वो यहाँ पे विजिट करने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये उनका विजिट है और गुफ्तगू भी जो है इसी वाले से रहेगी कि पाकिस्तान चूंकि एक ज़राई मुल्क है और हमारी जरूरियात क्या है, हमारी इंडस्ट्री को किस तरह से प्रमोट किया जाना चाहिए और हमारी इंडस्ट्री को जो मसाइल का शिकार है उसको मसाइल से बाहर कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि जब तक ज़रा तरक्की नहीं करेगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा, ये सब हम जानते हैं। जिस तरह से हमारी पहचान पाकिस्तान है इसी तरह से हमारी पहचान ज़रात भी है। ज़रात का शोबा वो शोबा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं किया गया, जो भी हुकूमतें आती और जाती रही, लेकिन ज़रात के शोबे को बहुत दफ़ा नज़रअंदाज किया गया। बजट के हवाले से मैं बात करूँ, टैक्सीनेशन के हवाले से बात करूँ, और अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दी जानी चाहिए थी तो उसमें भी हमें बहुत जगहों पर फुकदान नजर आता है। लेकिन मैं आज बात करूंगी हमारे आज के खास एपिसोड के हवाले से। आज हम मौजूद हैं मिल्ले ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड में और यहाँ पे बात करेंगे यहाँ की इंतजामिया से भी और उनको जो मसाइल दरपेश हैं। अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट के हवाले से उनके ऊपर भी बात करेंगे और जो आज यहाँ पे मेहमान खसूसी आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और दीगर भी बहुत सारे मेहमान हैं और जो इस तकरीब का हिस्सा होंगे हम उनसे भी पूछेंगे कि वो जाके इवाने आला में आला हुकाम तक इन मसाइल को किस तरह से पहुंचाएंगे। ना सिर्फ पहुंचाना है बल्कि हमें उनका हल भी चाहिए, क्योंकि अगर ज़रात तरक्की करेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। तो मेरे साथ चलिए जी। जैसा कि मैंने शो के एंट्रो में बताया था कि आज की जो तकरीब है यहाँ पे मिल्लत में खासतौर पे इसमें मेहमान खुसूसी हैं जनाब साजिद हुसैन तूरी साहब और आप चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी के। इनसे जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री और प्रोडक्शन के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो आज मिल्लत में जो इवेंट होने जा रहा है इस हवाले से क्या कहेंगे जी तूरी साहब, आपका क्या ख्याल है सवाल? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जिस तरह हम देख रहे हैं हमने मतलब टोयोटा सुजुकी होंडा सब की मतलब के विज़िट की है, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं मिल्लत ट्रैक्टर्स की इन्होंने इसमें जो इम्प्रूवमेंट की है और वाकई जो हमारी मुल्क जो है ना एक ज़री मुल्क है और इसमें ये मतलब अपना खिदमत कर रहे हैं तो हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इनसे ये उम्मीद भी रखते हैं इनकी जो प्राइस है ठीक है वो मतलब हुकूमत का काम है, लेकिन हम उसको इंशाल्लाह रिकमेंड करेंगे कि जितना हम आवाम को रिलीफ दे सकते हैं हम आवाम को रिलीफ दे जी। तो ऐसा बताइएगा जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में नामसाद हालात में ये कंपनीज काम कर रही हैं तो इनकी भलाई के लिए कोई जो मौजूदा हुकूमत है कोई लाए अमल तैयार कर रही है? उसमें तो बाकायदा मतलब है कि कमेटी बनी हुई है, उसमें मतलब सारे फेडरल मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उसमें कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इनको रिलीफ दे दे, लेकिन अगर हालात दे के इकोनॉमी दे के तो मुल्क के हालात काफ़ी मतलब के ठीक नहीं है तो उसकी वजह से मसले आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें काफ़ी बेहतरी आई है। सर आपको ब्रीफिंग भी दी जा रही थी साथ साथ प्रोडक्ट दिखाई जा रही थी लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ पे हो रही है, क्या कहेंगे क्वालिटी के अतबार से मिल्ले ट्रैक्टर्स का एक बहुत बड़ा नाम है तो क्या एक्सपोर्ट के हवाले से भी कुछ इकदाम करेंगे आप? इस तरह ना कि इन्होंने जो हमें ब्रीफिंग दी है उसमें मतलब इन्होंने जी एम साहब ने जिस तरह मतलब कहा कि हम इसको इम्पोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, उसमें जो हमारे साथ जो अफगानिस्तान है वहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं मलेशिया और साउथ अफ्रीका, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें इंशाल्लाह हम इनसे बाकायदा मतलब और भी ब्रीफिंग लेंगे, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें इंपोर्ट का कितना टैक्स है और मतलब लोकल कितना टैक्स है, तो उसमें इंशाल्लाह हम यही रिकमेंड करेंगे कि जितना भी मतलब रिलीफ हम दे सकते हैं अपने मतलब जमींदारों को रिलीफ जी देना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। आज की तकरीब के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी, मेरे पास मौजूद हैं इरफान अकील साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मिल्ले ट्रैक्टर के हवाले से। आज बहुत सारे स्टैंडिंग कमेटी के अरकान ने विजिट किया है यहाँ पे और उन्हें जिस तरह से ब्रीफिंग दी गई है पूरी फैक्ट्री का विजिट करवाया गया, मैं जाना चाहूंगी उनकी राय क्या है जी। इरफान साहब क्या कहेंगे उनकी राय के हवाले? माशाल्लाह जी, ये मेरे ख्याल में पहली दफ़ा स्टैंडिंग कमेटी जो है वो पूरे एमएनएज के साथ, खासतौर पर तीन फीमेल एमएनएज भी थी और ये बहुत अच्छा विजिट हमारा रहा है। ये इससे हमें फ़ायदा ये हुआ है कि उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिली है कि मिल्ले ट्रैक्टर्स जो है वो खासतौर पे इंजीनियरिंग के अंदर और ज़रात में उसकी क्या कंट्रीब्यूशन। हमने उनको तमाम अपने प्रोडक्ट रेंज दिखाई और पूरा प्रोसेस दिखाया कि किस तरह ट्रैक्टर बनते हैं और इसके अलावा जो दूसरी रेंजेज है हमारी पावर की है, जनरेटर्स हैं, फोकलिफ्ट ट्रक्स हैं और नए प्रोडक्ट्स और हमारे खासतौर पर जो प्लांट इम्प्लीमेंट्स हैं एग्रीकल्चर के वो दिखाए उनको, उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने भी की है और हौसला अफजाई भी की है।
और बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन लेके ये लोग जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा सर, मैं ये मैंने देखा है कि एक मसाइल का अंबार है जिसका शिकार है हमारी ज़रई इंडस्ट्री, तो यकीन दहानी क्या करवाई गई है? आप जिस तरह से यहाँ ब्रीफिंग दी गई है, बहुत वाजिया अंदाज में उनको दिखाया गया है कितनी एफर्ट कर रही है मिलेट ट्रैक्टर्स, तो यकीन दहानी के हवाले से अगर मैं कहूँ पॉलिसियाँ मुरतब करते हुए ख्याल नहीं रखा जाता, उस हवाले से क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई? दो तीन ऐसे पॉलिसियों के बारे में बातचीत हुई है कि खास तौर पर यह था कि जी जो छोटे हमारे काश्तकार हैं उनके लिए ट्रैक्टर खरीदना अफोर्ड करना इतने ज़्यादा 10 लाख रुपए बहुत, तो जो कर्जे हैं उसके ताल्लुक से उन्होंने बात की, बल्कि हमें बुलाया भी है इस्लामाबाद कि अब बात करें आके और ZTBL और दूसरे बैंक्स के साथ, गवर्नमेंट जो है ना वो कहती है हम आपके साथ आपकी मदद करेंगे ताकि उनको कम नरखों पर वो अगर कर्जे मिल जाएँ तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे भी कुछ मसाइल थे जिसके अंदर सेल्स टैक्स का जो रिफंड का मसला भी है उस पर भी उन्होंने बल्कि नोटिस लिया और चेयरमैन साहब ने भी और उनकी जो साथ जो खास तौर पे फाइनेंस को देखती हैं मिस चंदाना, उन्होंने भी कहा कि जी आप आए इस्लामाबाद, हम आप FBR के साथ आपकी बातचीत करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि जी आपके रिफंड जो है ना जल्द से जल्द निकल सके। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशाइंद बात है कि जो यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी के अरकान आए थे उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि जो भी इंडस्ट्री को मसाइल दरपेश है हम पूरी कोशिश करेंगे हुकामे वाला से कि उनको जल्द अज जल्द और बेहतर अंदाज में हल किया जाए। जी हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से जो आज यहाँ तकरीब में आए हुए हैं जो मिल्लत में हो रही है, और स्टैंडिंग कमेटी के बहुत सारे अरकान यहाँ तशरीफ लाए हैं, और बात हो रही है ज़राअत के हवाले से कि हुकूमत की क्या सपोर्ट है और इस वक्त हमारी जो ज़राअत है वो कहाँ खड़ी है। टेक्निकल हवाले से अगर देखा जाए तो हमारी जो ज़रई मशीनरी है उसको किस कदर सपोर्ट की ज़रूरत है, और अगर बात करूँ एक्सपोर्ट के हवाले से तो वहाँ पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हैं कि हुकूमत इस मामले में किस हद तक सपोर्ट कर रही है। हम हर दफ़ा पिछली हुकूमतों पर बात डालकर खामोश हो जाते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, हमारी मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है ये जानना भी बेहद जरूरी है। मैं बात करूंगी मेहर अरशाद सयाल साहब से कि वो इस हवाले से बताएं कि आज मेहमान भी हैं वो यहाँ पे मिलर ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड में, उनसे पूछते हैं कि आज रही मशीनरी का मुआयना भी किया गया यहाँ पे, मीडिया ब्रीफिंग भी उनको दी गई, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे कि मिलर ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड जो काम कर रही है उसको किस नजर से देखते हैं। जी मेहर साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं मिल्लत कंपनी के CEO साहब का, उनकी पूरी टीम का और तमाम इंजीनियर्स जो मेहनत कश उनके टीम है तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ कर बड़ी खुशी हुई, ये पता चला जो तकरीबन 60-70% जो है मटेरियल अपना हम खुद अपना इस्तेमाल करते हैं, अपना बनाते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि जो बाहर से मंगवाते हैं इम्पोर्ट करते हैं वो भी हमें अब काफ़ी टाइम हो गया है अपना ही तैयार करना चाहिए। जो ज़रई आलात देखे हैं, जो सिस्टम देखा है, इसमें मेरा जो बाद में कीमतें सुनी हैं, किसान को फैसिलिटेट करना चाहिए, किसान को सहूलतें देनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक ज़रई मुल्क है, किसान हमेशा खिसारे में रहा है, किसान की वजह से ये शहर आबाद हैं, ये रौनकें हैं, मेहनत कश की वजह से। अगर हम उन्हें सहूलत देंगे तो हमारी फसलात बेहतर अंदाज से वो तैयार होंगी और बर वक्त तैयार होंगी, और हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत वक्त हम अपनी कमेटी की तरफ से ये सिफारशात भेजेंगे कि किसान को कम से कम रेट पर ज़रई आलात और ट्रैक्टर दिए जाए। बहुत शुक्रिया। और इरशाद साहब बताइएगा कि आपका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, तो आप अपने इलाके के हवाले से क्या देखते हैं कि वहां पर जो किसान है किस तरह के मसाइल का शिकार है, और छोटे किसान के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है इस वक्त? आप जो बात पूछ रहे हैं, किसान को तो कोई सहूलत नहीं मिल रही, बल्कि हम तो हमेशा कोई कुदरती आफात का अल्लाह रहम करे शिकार रहे हैं। 2010 में सैलाब आया था, 2014 में सैलाब आया था, अब ऐन उस वक्त मार्च में सैलाब आया जब फसलें तैयार खड़ी थी वो तबाह हो गई। अब पिछले दिनों आपने देखा है चनाब और जेलना में सैलाब आया है, सारी फसलें तबाह हो गई हैं, किसान को तो कोई सपोर्ट नहीं मिली। हमारा तो मीडिया के थ्रू आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा है कि किसान को बिला सूद कोई कम अज कम 3 साल के लिए मुफ्त जो है वो कर्जे फराहम किए जाएं, बिला सूद कर्जे दिए जाएं ताकि किसान अपने पांव पर खड़ा हो सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
जब भी मैं बात करती हूँ ज़राअत की, तो उसमें ना सिर्फ हमारे मुल्क के मर्द हज़रात ने बहुत काम किया है, बल्कि मैं ख़वातीन को भी इस हवाले से बहुत अहम समझती हूँ कि वो भी ज़राअत के लिए बहुत बढ़ चढ़ के काम करती हैं, चाहे वो काम उनका फील्ड में हो या वो असम्बली में बैठी हों, दोनों तरह से ही वो ज़राअत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख रही हैं, हैंडल कर रही हैं, उसके ऊपर वो अपनी सिफारशात भी मुरतब कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शानदाना गुलजार खान, एम एन ए, इनसे बात करेंगे। ख़वातीन के हवाले से अगर बात करनी हो तो मैं यकीनन इनसे पूछना चाहूँगी कि किस कदर हमारी ज़राअत को सपोर्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और आज के हवाले से जो मैं बात करूं तो आज जो मिलत में इवेंट हो रहा है इसके ऊपर इनको एक ब्रीफिंग भी दी गई है और विजिट भी करवाया गया है मुख्तलिफ जो एरियाज थे उसमें मसनूआत भी इनको दिखाई गई हैं। जी शानदाना, क्या कहेंगी जो आपने विजिट किया है मिलत के हवाले से? शुक्रिया जी, बहुत अच्छा विजिट था, बहुत सेटिस्फैक्ट्री विजिट था। हमने जो मिलत की प्रोडक्ट्स देखी, उनकी इंडिजनाइजेशन देखी, जो पाकिस्तान में तमाम पार्ट्स बन रहे हैं, फिर फैक्ट्री विजिट किया, फिर जो सारी प्रेजेंटेशन थी फाइनेंसिंग, तो बहुत ही अच्छा विजिट था। और जो बहुत सारे सवालात थे, जो शक व शुभा थे, वो भी दूर हो गए हैं। नेचुरली ये पाकिस्तान के एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन है, तो हमारी तवक्कुआत भी इनसे बहुत ज़्यादा हैं कि ये किसानों के साथ मिलके, हुकूमत के साथ मिलके काम करेंगे, जिस तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, एक तो CSR होता है, उससे भी आगे बढ़ के कि जिस तरह जदीद दुनिया में आलात बन रहे हैं तो उस तरफ हम जाएँ, डिजिटल पावर पर जाएँ, एनर्जी को देखें, और फार्मर के जो बेसिकली पाकिस्तान में काश्तकार के मसाइल हैं उसको एड्रेस किया जाए। अच्छा, जरिए मशीनरी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हुकूमत इसको सब्सिडाइज करने के हवाले से किस हद तक मैच्योर है, सीरियस है, क्या देखते हैं आप? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सब्सिडाइज यूजुअली नहीं करती है, फार्मर्स को करती है, सबसे जो गरीब तबका होता है। और इस साल हुकूमत ने सब्सिडी दी है तकरीबन 50 अरब की, उसमें तकरीबन 37 अरब जा रहा है फर्टिलाइजर की तरफ, और तकरीबन उससे जो रह जाता है 13 अरब वो जाएगा ZTBL ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड को, क्योंकि कोरोना की वजह से ज़रात का सेक्टर बहुत इम्पैक्ट हुआ, और ज़रात में आपको पता है कि लाइफ स्टॉक भी आता है, और ज़रात में शायद जो ज़रूरी बात है 70% जो लोग हैं वो ख़वातीन काम करती हैं, और ख़वातीन और बच्चे, और ना उनकी तनख्वाह होती है ना उनके काम को काउंट किया जाता है, तो इसलिए ज़रात का शोबा पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए और भी ज़रूरी है। कवानीन बदलने होंगे, जो पेमेंट सिस्टम्स हैं, जो नॉलेज सिस्टम है, वर्किंग सिस्टम्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। है ज़रई मुल्क पर ज़रात पे कभी तवज्जो नहीं दी गई जो देनी चाहिए। अच्छा शानदाना, बताइएगा, अभी आपको एक ब्रीफिंग भी दी गई है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार है मिलेट ट्रैक्टर्स इंडस्ट्री जो है, 70% खुद यहाँ पे आपने देखी है मसनूआत तैयार हो रही है, लेकिन कुछ हमें बाहर से फिर भी मंगवानी पड़ रही है। जो सिफारिशात मुरतब करने जा रही है गवर्नमेंट, उसमें आपको भी ब्रीफिंग दी गई है, उस हवाले से किस हद तक पैगाम पहुँचाएंगी हमारा? नहीं, एब्सोल्युटली जी, 100% पैगाम जाएगा कमेटी में भी, और हमने रिक्वेस्ट भी की है कि मिलत ट्रैक्टर्स की जो फैमिली है ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वो आए हमारे साथ इस्लामाबाद में बात करें। हम आज तो इंडस्ट्री के हवाले से आए थे, अब ज़रात के हवाले से इनसे मीटिंग करना चाहेंगे, ताकि जो इनकी नॉलेज है, जो इनकी वर्किंग है, जो इनका किसानों के साथ लेन देन है, उसमें हम इनकी भी मदद कर सकें और ये हमारी मदद कर सकें। थैंक यू सो मच शानदाना, यकीनन हम अगले मेहमान से बात करेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात कर रहे हैं मिलेट ट्रैक्टर में होने वाली इस तकरीब के हवाले से जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के अरकान ने भी हिस्सा लिया है, बल्कि यहाँ पे जो चीफ गेस्ट हैं वो साजिद हसन तूरी साहब, उनका ताल्लुक जो है वो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हैं, और उनसे हम बात भी की और उनसे जानने की कोशिश की कि ज़रात के हवाले से मौजूदा हुकूमत क्या पॉलिसियाँ मुरतब कर रही है, ज़रात की बेहतरी के लिए क्या कुछ कर रही है। दीगर अरकान के साथ भी हमने बात की है और मजीद मेम्बर्स जो यहाँ मौजूद हैं उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो ज़राअत के लिए, ज़राअत की प्रमोशन के लिए और ज़राअत की बेहतरी के लिए क्या तब्दीलियां करने जा रही है। मेरे साथ चलिए जी, हम बात कर रहे हैं बार बार ज़राअत के हवाले से और मिलत में होने वाली आज जो तकरीब है उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है, MNAs भी आए हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आलिया हमजा, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आज जो इन्होंने यहाँ पे विजिट किया है, मुख्तलिफ एरियाज दिखाए गए हैं जहाँ पे मसनूआत तैयार हो रही है मिलत के हवाले से, और ट्रैक्टर की असम्बलिंग का भी इनको यहाँ पे दिखाया गया है, इनसे बात करना चाहूंगी कि क्या कहेंगी कि जिस तरह से ये इंडस्ट्री अपनी खिदमात फ्राहम कर रही है अपनी एग्रीकल्चर के अंदर, तो क्या कहेंगी कि कितनी सपोर्ट इनको दरकार है और किस तरह से ये आगे जाके बात करेंगी ऐवान-ए-आला में। जी आलिया, क्या कहेंगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, हमारा जो विजन है हमारी गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, ये है कि हमने बिजनेस को फ्लरिश करना है। और एग्रीकल्चर सबको पता है, दैट इज बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। और मिल्लत ट्रैक्टर्स बताया है सीन एंड बताया है फील, बहुत अच्छी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे किसान के लिए, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। सो वी आर वेरी मच कमिटेड कि हम जितना इनको हेल्प आउट कर सकते हैं। और आज यहाँ आने का पर्पस भी ये था कि हम सारे इश्यूज को देखें ऑनलाइन, मतलब ऑन साइट जाकर देखें, उनको ऑब्जर्व करें और हम जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि देखें, गवर्नमेंट ने ही पॉलिसीज बनानी है, गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट इनको करना है, दैट विल ट्रिकल डाउन टू द एग्रीकल्चर और फार्मर्स। तो बेसिकली जो इनडायरेक्टली है ये फार्मर्स को सपोर्ट हो रही है। हमने देखा है फैसिलिटीज एक्सट्रीमली गुड। सबसे जो अच्छी चीज है, दे आर एक्सपोर्टिंग द ट्रैक्टर्स। और बड़ी अच्छी जो हम फिगर्स देख रहे हैं, 2019 में दे वर एक्सपोर्टिंग जस्ट तकरीबन कोई 250, और अब इट्स मोर देन 1300। सो एक अच्छी चीज है कि हम एक चीज एक्सपोर्ट करें, इनके जितने ऑटो पार्ट्स हैं लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, प्लस बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। इन्होंने हमें कंपैरिजन सिखाए, हमने इनके साथ सारा कुछ ये डिस्कस किया कि अगर हम इनको फैसिलिटेट करें तो किस तरह आगे ये फार्मर को फैसिलिटेट करेंगे। देखिए, सारी चीजों से बढ़ के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उनके लिए फार्मर एग्रीकल्चर, दे बोथ आर लाइक, हमें उनको हर तरह से हर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी। सो ये सारी चीजें हमने देखी है, वी हैव ऑब्जर्व्ड एनीथिंग। इनके जो इश्यूज हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं, और पॉलिसी मेकिंग के अंदर वी विल मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली जो इन्होंने हमें सजेस्ट किया। जी बिल्कुल अनिल, मेरा अगला सवाल भी यही था कि जब पॉलिसियां बनती हैं तो लोगों का एतमाद में नहीं लिया जाता, खासतौर पर जो इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे होते हैं, फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। अभी मिल्लत के हवाले से जो आपको ब्रीफिंग दी गई है, तो हम क्या तलब करें कि आप जाके किस तरह से हमें हेल्प आउट करें? अच्छा, इट्स रियली अ गुड क्वेश्चन। और मैं इसमें ये कहूंगी कि इट्स हैपनिंग फर्स्ट टाइम, मतलब मुझे इसमें ये करना चाहिए कि हम, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, हमने ट्रेड पॉलिसी पे हम काम कर रहे हैं, टैरिफ पॉलिसी पे हम काम कर रहे हैं, हम टेक्सटाइल पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, और हम उसमें कर क्या रहे हैं? वी आर कॉलिंग द स्टेक होल्डर्स, ईदर दे आर फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर और दे आर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, और हम उन सबको बिठा के, बिकॉज देखें पहले ही होता था, एक वो पॉलिसी बनती थी, अब पॉलिसी बनाने वालों में और पॉलिसी जिनके लिए बन रही है, देयर इज नो मोर गैप बिटवीन देम। हम उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हम उनको लेकर आ रहे हैं, ऑन बोर्ड लेकर आ रहे हैं, और वी आर चेंजिंग अकॉर्डिंगली। लाइक देखें, ये कैसे हो सकता है कि मैं जिसके लिए पॉलिसी बना रही हूँ, अगर वही उसका हिस्सा नहीं है, उस कंसल्टेशन का हिस्सा नहीं है, और उसकी मर्जी के लिहाज से चीजें चेंज नहीं हो रही, तो ये हम उनको बेनिफिट क्या कर रहे हैं? सो हमने वो पॉलिसीज नहीं देनी है, एक जिससे कह लें कि अनरियलिस्टिक पॉलिसीज नहीं देनी है, हमने रियलिस्टिक चीजें देनी है, और वो चीजें देनी है कि जो बिजनेस लेकर आए, जो आगे फार्मर्स को फैसिलिटेट करें, जो हमारी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करें। एग्जैक्टली, सो दिस इज द डिफरेंस नाउ। जो हम दूसरी गवर्नमेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं, लाइक यहाँ पर भी हमारा मतलब ये द पर्पस ऑफ विजिट वाज नॉट टू कि हमने किसी को जज करना था, इट वाज कि हमने ये देखना था कि हाउ वी विल बी एबल टू सपोर्ट देम। दैट्स इट। थैंक यू सो मच आलिया, थैंक यू। जी, हम बात कर रहे हैं मिल्लत ट्रैक्टर में होने वाली तकरीब के हवाले से, और अब मैं बात करूंगी जनाब जनरल मैनेजर मार्केटिंग अजहर नूर साहब से कि क्या समझते हैं जो आज स्टैंडिंग कमेटी के अरकान ने विजिट किया है, और उनको जिस तरह से ब्रीफिंग दी गई है, और जिस तरह से उन्हें मुख्तलिफ जो इलाके हैं, जो हिस्से हैं, वो दिखाए गए हैं यहाँ पे प्रोडक्शन के हवाले से, क्या उम्मीद करते हैं कि मसाइल को किस तरह से वाला हुकाम तक पहुँचाएंगे? जी अजहर साहब, क्या कहेंगे सवाल से? सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट के मशहूर हैं के कौमी असम्बली के अराकीन जो स्टैंडिंग कमेटी के हैं, उन्होंने वक्त निकाला और उन्होंने ट्रैक्टर इंडस्ट्री को विजिट किया, मिल्लत ट्रैक्टर्स को विजिट किया, और ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कमेटी का पहला विजिट है। आज जब उन्होंने ये विजिट किया है तो उनको हमने ट्रैक्टर साजी के हवाले से जो एक कम्प्लीट हिस्ट्री है वो बताई है, फिर जो मिल्लत ट्रैक्टर्स और पाकिस्तान की ट्रैक्टर इंडस्ट्री का रोल फार्म मैकेनाइजेशन के हवाले से है उसके बारे में ब्रीफ किया है। इंडस्ट्री के तमाम अराकीन इस मौजू के ऊपर बड़े मुतमिन नजर आए हैं कि पाकिस्तान की ट्रैक्टर इंडस्ट्री ना सिर्फ ये है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर
जिम्मेदारों को उनकी जरूरत के मुताबिक दुनिया के सबसे सस्ते और अच्छे ट्रैक्टर फ्राहम कर रही है, बल्कि जो एक्सपोर्ट के हवाले से पिछले चंद सालों के अंदर मिलर ट्रैक्टर्स की खिदमात हैं और जिस तरह पाकिस्तान से ट्रैक्टरों की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, इससे वो बहुत ज़्यादा मुतमिन नज़र आए। और आज हमने पॉलिसीज़ के हवाले के साथ भी उनसे बात की, जो इंडस्ट्री के इशूज़ हैं, जो फार्मर्स के इशूज़ हैं, ताकि गवर्नमेंट ऐसी कंड्यूसिव पॉलिसीज़ बनाए जो कि इंडस्ट्री और फार्मर को दोनों के लिए बेनिफिशियल हों। हमने उनसे दरख्वास्त की है कि जी आप पाकिस्तान के अंदर जो हमारे जिम्मेदार हैं, क्योंकि ज़्यादातर छोटे हैं, 12.5 एकड़ से कम के मालिक हैं, आप उनके लिए जो ज़रई कर्जा जात हैं, एक तो उनकी फ्राहमी को यकीनी बनाएं और दूसरा जो शरह सूद है, जो मार्कअप है, उसमें कमी की जाए, जिस तरह के हमारे हमसाया ममालिक के अंदर होता है, जिम्मेदारों को सब्सिडी दी जाए। और सबसे बढ़कर यह बात यह है कि जी उनकी जो फसलें हैं उनको उनके मुनासिब अगर रेट मिलेंगे तो ज़रात तरक्की करेगी, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, इंडस्ट्री तरक्की करेगी, हमारा मुल्क ओवरऑल तरक्की करेगा। हम आज के उनके विजिट के हवाले से बहुत ही पुरउम्मीद हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हमारा ये जो आपस का एक मेल जोल है, जो रब्ता बड़ा है, जिस तरह उन्होंने ट्रैक्टर इंडस्ट्री को आके समझा है, हमारी प्रोडक्शन लाइन को, हमारी इंजीनियरिंग कैपेसिटी को, कैपेबिलिटीज़ को, हमारी फैसिलिटीज़ को देखा है, और वो भी इसके ऊपर बड़े पुरउम्मीद हैं कि जी पाकिस्तान में आइंदा आने वाले सालों के अंदर ज़राअत के हवाले से जितनी भी मशीन साजी की ज़रूरियात होंगी उसके लिए गवर्नमेंट अपना एक भरपूर किरदार अदा करेगी। थैंक यू वेरी मच। जी बात हो रही है ज़राअत की और ज़रई मुल्क की और पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में होने वाले मिलर ट्रैक्टर के अंदर एक इवेंट की, जिसके हवाले से आज हम यहाँ पे आए भी हैं। और मैं बात करूंगी साजिदा ज़ुल्फ़िकार साहिबा से, जो कि इस वक्त MNA भी हैं, और यहाँ पे इनको विजिट करवाया गया है फैक्ट्री में, और मुख्तलिफ एरिया में जो काम हो रहा है मिलर ट्रैक्टर के हवाले से, असम्बलिंग के हवाले से, पुर्जा जात की जो यहाँ पे मेकिंग हो रही है वो भी दिखाई गई है। मैं जानना चाहूंगी कि क्या कहेंगी जो आज की तकरीब है। जी साजिदा साहिबा क्या कहना चाहेंगे? मैं जब भाई इंटरव्यू मिले उसमें तो बड़ा अच्छा मुझे लगा, सारा प्रोडक्ट हमने देखा, विजिट किया, बड़े अच्छे तरीके से सारा एक्सप्लेन किया यहाँ की फैक्ट्री के स्टाफ वगैरह ने, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो हमारे कॉन्सेप्ट था इससे पहले हमने विजिट नहीं किया था, और आते ही जो मैंने रियलिटी देखी बड़ी बेस्ट क्वालिटी थी, और यहाँ पे ट्रैक्टर की क्वालिटी और भी ज़रात से रिलेटेड मशीनरी, और स्पेशली ये जो जनरेटर इतने हैवी बना रहे हैं, इससे मैं बड़ी इंप्रेस हुई, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में इतनी अच्छी प्रोडक्शन हो रही है। अभी मैं सेकेंड टाइम है मैंने, और मेरी स्टैंडिंग कमेटी पिछले भी इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन में थी, और अभी भी बहुत सारे फैक्ट्री में विजिट करती हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी इश्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम क्वालिटी, और स्पेशली मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि ट्रैक्टर को एक जिम्मेदार, उसकी पूरी एक फैमिली बनती है और उसी की लाइफ बनती है, तो उसके लिए इतनी अच्छी प्रोडक्ट पाकिस्तान में प्रोडक्शन हो रही है, तो बड़ा हमें अच्छा लगा। और मैंने अभी CEO साहब के साथ हमारी जब मीटिंग थी, मैंने रिकमेंडेशन भी दी, मैंने उसको आइडिया दिया कि आप लोग कोल्ड चेन भी बनाए, कोल्ड स्टोरेज, जैसे उसके फार्मर के वेजिटेबल और फ्रूट हमेशा वो सेफ नहीं रहते, तो वो भी नोट किया, और इंशाल्लाह उसी पे भी रिसर्च होगा। तो बड़ा अच्छा विजिट रहा, और हम अपने पूरे पाकिस्तान में जितने हमारी फार्मर हैं तो समझते हैं कि गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करे, हम इसलिए यहाँ पे आए कि अगर हमारा फार्मर प्रोटेक्ट होगा तो पाकिस्तान इकोनॉमी जनरेट करेगी, इसलिए कि जितना निगलेक्ट हुआ है फार्मर इससे पहले तो सही नहीं था। मैं तो हमारी गवर्नमेंट भी और हम हर तरीके से उसको सपोर्ट करना चाहते हैं कि फार्मर अपने जनरेशन में कंट्रीब्यूट करे, और अच्छे से अच्छा वो फ्रूट और वेजिटेबल और जितना वीट का इशू है उसको बेहतर करे। अच्छा मैम, अभी आपको ब्रीफिंग भी दी गई है, और काफी चीजें जो आपकी नॉलेज में नहीं थी उनको लाया गया है, पुर्जा जात के हवाले से, टैक्सनेशन के हवाले से जो मिसाइल का सामना है, तो क्या कहना चाहेंगी आप? इस वक्त सिटिंग MNA भी हैं, क्या हमारी आवाज पहुंचेगी हुकामे बाला तक? बिल्कुल पहुंचेगी, हम आए इसलिए हैं, हम गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होगी इस फैक्ट्री से रिलेटेड, टैक्स से या कोई भी, मेरे ख्याल में इतना अच्छा उन्होंने मैनेज किया होता कि कोई प्रॉब्लम्स तो थे नहीं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस हमें ज़्यादा दिखाई। अगर कोई भी इशू होगा तो इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे। पिछली दफ़ा हमने इसको वहाँ पे बुलाया था इस्लामाबाद में, लेकिन इतनी सही तरीके से एक्सप्लेन तो हुआ था, लेकिन हमें मतलब तसल्ली नहीं थी, लेकिन जब हमने रियलिटी यहाँ पे देखी, प्रोडक्शन हमने देखी, क्वालिटी हमने देखी, तो और इनका स्टाफ स्पेशली कि वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को मैनेज करते, तो A1 था, और हमें खुशी है कि हमारे पाकिस्तान में मिल्लत
ट्रैक्टर की फैक्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है और इंशाल्लाह और भी बेहतर होगी। थैंक यू सो मच जी। ज़राअत की बेहतरी के लिए पॉलिसियां बनाई तो जाती हैं लेकिन असल काम उन पॉलिसियों पे दरामद करवाना होता है। हम ये राग तो अलापते रहते हैं कि हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है, हमारे मुल्क की 70% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है, लेकिन क्या हम इस 70% आबादी के लिए संजीदा हैं? क्या हम इस 70% आबादी, इस ज़राअत से जो मुंसलिक लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं? हमें बहुत संजीदगी से तवज्जो देना होगी ताकि हमारी ज़राअत का जो पहिया है वो रवां दवां रहे। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मेरे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करेंगे कि आज जो तकरीब हो रही है मिलेट ट्रैक्टर में, इस हवाले से जो यहाँ पे मेहमान आए उनसे भी बात करेंगे, उनके ख्याल जानेंगे कि उन्होंने जो आज यहाँ पे देखा है इस हवाले से वो क्या कहेंगे। जी बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं और यकीन दहानियां भी करवाई जा रही हैं, ज़राअत को दरपेश मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने में हुकूमत किस हद तक संजीदा है ये तो पता चलेगा जब ये अरकान जो है वहाँ पहुंचेंगे और हमारे जो मसाइल हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के आगे रखे जाएंगे ताकि इन्हें जल्द अज जल्द जो है वो हल किया जाए और पॉलिसियाँ मुरतब करने से पहले कम अज कम मशावरत जरूर की जाए। जो बड़े स्टेक होल्डर हैं, जो इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री को अपनी फैसिलिटेट कर रहे हैं और ज़राअत के हवाले से अगर देखा जाए तो वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगी इस वक्त कमर महमूद चौधरी साहब से और ये डिप्टी जनरल मैनेजर हैं इस वक्त। मार्केटिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे मसाइल मार्केटिंग को भी दरपेश हैं। पाकिस्तान में मार्केटिंग किस हद तक कामयाब है और ट्रैक्टर इंडस्ट्री के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी, सर क्या कहेंगे आप इस हवाले से? स्टैंडिंग कमेटी ने हमसे हमारे मसाइल के बारे में पूछा है, बड़े अच्छे तरीके से उनसे बातें हुई हैं। एक तो हमने उनको ये बताया है कि हमारे यहाँ ट्रैक्टर की डिमांड कोई परमानेंट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है जिसकी वजह से कंपनी को प्रोडक्शन के मसाइल भी आते हैं और अल्टीमेटली वो मसाइल कस्टमर तक शिफ्ट हो जाते हैं। और इसमें बड़ी वजह यही है कि हमारा छोटा ज़िम्मेदार ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं करता, उनको बैंक से कर्जे नहीं मिलते। स्टैंडिंग कमेटी ने अब ये पॉइंट जो है ये पुट अप करने के लिए हमें बताया है कि वो कर्जों के इंटरेस्ट रेट को कम करवाने के लिए वो अपनी सिफारिशात गवर्नमेंट को पेश करेंगे। दूसरा इस कमेटी को एक मिस कंसेप्शन थी जो उनकी यहाँ आने की के बाद दूर हो गई है कि पता नहीं ट्रैक्टर इंडस्ट्री कितनी ओवर कास्टिंग कर रही है, कितनी ओवर चार्जिंग कर रही है ट्रैक्टर की प्रोडक्शन में। अब जब उन्होंने हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज और सारी चीज़ों को देखा है तो वो बड़े हैप्पीली वो हमें बता रहे थे कि हम समझते हैं कि ट्रैक्टर दुनिया में मैसी फर्गुसन सस्ता तरीन हमारे यहाँ बन रहा है और इसकी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। तो हमारे मसाइल इंशाल्लाह वो हल करवाएंगे, गवर्नमेंट से जो हमें सहूलियत चाहिए वो हमने उनको पेश कर दी हैं तो वो गवर्नमेंट को पेश करेंगे हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया कमर सर, थैंक यू सो मच। जी जो स्टैंडिंग कमेटी के अरकान यहाँ तशरीफ लाए हैं उनको फैक्ट्री के अंदर वो तमाम एरियाज दिखाए गए हैं जहाँ पे ट्रैक्टर के पुर्जाजात तैयार हो रहे हैं, असम्बलिंग हो रही है और इवन के क्वालिटी इंश्योरेंस का शोभा भी उन्हें दिखाया गया ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सकें कि मिलर ट्रैक्टर किस तरह से जो है वो यहाँ पे काम कर रही है, कितने आला दर्जे का काम यहाँ पे हो रहा है, असम्बलिंग के हवाले से किस तरह से हो रहा है, प्रोडक्शन के हवाले से क्या चल रहा है। इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, ये आपको रिपोर्ट दिखाती हूं। स्टैंडिंग कमेटी ने मिलर ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की नई मसनूआत के इजरा, आलमी कीमत पर मुसाबकत, वेंडिंग इंडस्ट्री में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मामले में पेशरफ्त पर अपने मुकम्मल एतमाद व इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मिलर ट्रैक्टर्स प्राइवेट कंपनी को अपनी पैदावारी रफ्तार मजीद तेज करने का कहा ताकि नई मशीनें काश्तकारों की कुव्वत खरीद के मुताबिक मुकामी तौर पर तैयार की जा सके। कायमा कमेटी ने यकीन दिलाया कि वो सनअत को मुनासिब तरीके से ज़रई फंड के जरिए साजगार तजावीज और काश्तकारों को माकूल अंदाज में ट्रैक्टर साज सनत की हमायत करेंगे। CEO मिलर ट्रैक्टर इरफान अकील ने चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग दी। CEO इरफान अकील का कहना था कि हम स्टैंडिंग कमेटी के दौरा से मुतमिन हैं और उम्मीद करते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के अराकीन बेहतर अंदाज में ट्रैक्टर साजी की सनद को दरपेश मसाइल का हल करवाने में मददगार साबित होंगे। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन साजिद हसन तूरी के हमरा मददजा लोगों ने दौरा किया। माँ मेम्बरा ने कौमी असम्बली को मिलर ट्रैक्टर्स के मैनुफेक्चरिंग एरियाज का विजिट करवाया गया और ट्रैक्टर साजी के पुर्जाजात की तैयारी से लेकर असम्बलिंग तक सब मौका पर दिखाया गया। GM मार्केटिंग अजहर नूर ने चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को मिलर ट्रैक्टर्स के मुख्तलिफ मॉडल बारे ब्रीफिंग दी। उससे फिर एक जो अपग्रेडेड वर्जन है जो 60 हॉर्स पावर
वो है 260 टर्बो चार्ज इसके अंदर एडिशनल फीचर ये है कि एक तो पावर ज़्यादा है, दूसरा इसका जो रेयर एक्सल है वो हैवी ड्यूटी है, इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो डिस्क ब्रेक है। तमाम मेंबरान कौमी असम्बली ने मिलर ट्रैक्टर्स की कारकर्दगी को सराहा और फार्मर्स की बेहतरीन खदमत करने पर खराज तहसीन पेश किया। जी आज की तकरीब के मेहमान खसूसी साजिद हुसैन तूरी साहब और दीगर अरकान असम्बली कौमी असम्बली जो यहाँ पे आए थे, उन्होंने यकीन दहानी करवाई है मिलर ट्रैक्टर्स की इंतजामिया को कि जो भी मसाइल दरपेश हैं आपको उनका जल्द कला कमा किया जाएगा और उन्हें हुकाम बाला के सामने पेश किया जाएगा। इवन के जो टैक्स के हवाले से भी सिफारशात मुरतब की गई हैं और जो दीगर प्रॉब्लम हैं, जो दीगर मसाइल का शिकार है हमारी ज़रई इंडस्ट्री, उनको भी जल्द अज जल्द जो है वो हल किया जाएगा। और हमारी भी दुआ है कि अल्लाह करे कि ये चीज़ें जो है वो फौरी तौर पे हल हो जाएं, ना कि ये किसी देर या अल्तवा का शिकार हो जाएं, क्योंकि ज़रई इंडस्ट्री हमारी जो है इसको फौरी तौर पे हल करने की ज़रूरत है इसके मसाइल को, और फौरी तौर पे जिस तरह के भी इसके मसाइल हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसान से हो या ज़रई इंडस्ट्री से हो या किसी स्टेक होल्डर से हो, उन मसाइल का हल करने में ही हमारी बका है, हमारी मुईशत की बका है। इन मसाइल का हल होना बेहद ज़रूरी है। मेरी भी यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अपील है और सीएम पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार से अपील है कि आपकी हुकूमत का दावा है कि आप किसान दोस्त हैं और किसान दोस्त पॉलिसियां मुरतब करते हैं, तो ऐसे मौके पे जो मिलर ट्रैक्टर्स के हवाले से दरपेश मसाइल हैं उनको भी फौरी तौर पे हल किया जाए, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ये अपनी कई सालों से ज़रात के हवाले से अपनी खिदमात पेश कर रही है। और उसके साथ साथ मैं चाहूँगी आपसे कि आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का शो आपको कैसा लगा और आपके फीडबैक के लिए मुझे इंतज़ार रहेगा। और यहाँ पर जो है वो अब टाइम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपनी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के मान।